स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण का, वह है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया जो कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क अभिक्रिया, अंधेरी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले 1905 में ब्लैकमैन नामक जो साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति के साथ साथ प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती है। अतः अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने समझाया था, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया के साथ साथ ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, जबकि हमने देखा प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग के अंदर संपन्न होती है। स्ट्रोमा भाग के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि हम जानते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है। इस कारण इसे सीधे ही सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हम ये जानते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान 3 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है, जो CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए आवश्यक होती है केवल, जबकि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए हमें केल्विन वेन्सन चक्र या अप्रकाशिक अभिक्रिया को 6 बार दोहराना पड़ेगा। इस कारण कुल जो ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कुल जो ऊर्जा है वो 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो 18 ATP है इसकी आवश्यकता होगी। ATP को हम स्वांगीकारी शक्ति के नाम से भी जानते हैं, जबकि NADPH2 को अपचायक शक्ति के नाम से जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है कि अपचायक शक्ति कौन है और स्वांगीकारी शक्ति कौन है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। ब्लैकमैन ने इसको समझाया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। हरित लवक के स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 18 ATP जिसे हम स्वांगीकारी शक्ति और NADPH2 को अपचायक शक्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक C3 चक्र और एक C4 चक्र के रूप में। C3 C4 क्या होता है, ये इस अभिक्रिया के दौरान अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले फर्स्ट प्रोडक्ट पर आधारित है, जिसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से समझाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं C3 चक्र के बारे में। C3 चक्र सबसे पहले केल्विन और वेन्सन दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक कोशीय हरे शैवाल, एग्जाम में पूछते हैं इनके नाम, एक कोशीय हरे शैवाल जिनके नाम है क्लोरेला और सैंडेस्मस, इन एक कोशीय हरे शैवालों पर रेडियोधर्मी कार्बनयुक्त CO2 का उपयोग किया तो देखा कि बनने वाला जो प्रथम उत्पाद होता है वो 3 कार्बन वाला PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, C3 चक्र। ठीक है, तो C3 चक्र किसने समझाया था, केल्विन और वेन्सन ने, इसलिए इसे केल्विन वेन्सन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में CO2 का उपयोग किया जाएगा, तो इन शैवालों की पत्तियों में एक 5 कार्बनयुक्त शर्करा पाई जाती है, 5 कार्बनयुक्त शर्करा पाई जाती है जो इस CO2 को ग्रहण करती है। उस 5 कार्बनयुक्त शर्करा का नाम है RUBP, हम इसको RUBP कह सकते हैं, RU15 बाई फास्फेट कह सकते हैं, फुल फॉर्म होती है कि RUBF15 बाई फास्फेट, जो कि 5 कार्बनयुक्त शर्करा है जो CO2 को ग्रहण करता है। ठीक है, और ये ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है, जिसे हम बोलते हैं रूविस्को। क्या नाम लिखा हमने, रूविस्को। रूविस्को की फुल फॉर्म होती है राइबुलोज बाई फास्फेट सिंथेटेज कार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, राइबुलोज बाई फास्फेट सिंथेटेज कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो इस एंजाइम की उपस्थिति में पादपों की जो पत्तियों में उपस्थित 5 कार्बनयुक्त शर्करा है, ये शर्करा CO2 को ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब आप ये देखिए कि जो C3 चक्र है
जिसे केल्विन वेंसन ने समझाया था, इस C3 चक्र का अध्ययन हम चार स्टेपों में करेंगे। कितने में? चार, जिसमें पहला आता है CO2 का अपचयन या फॉर्मेशन ऑफ PGA, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण। सेकेंड आता है PGAL का निर्माण। PGAL की फुल फॉर्म होती है फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड, तो PGAL का निर्माण। थर्ड स्टेप आता है ग्लूकोज का निर्माण, और फोर्थ स्टेप आता है पुनः RU15 बाई फास्फेट का निर्माण। तो इन चार स्टेपों में हम C3 चक्र का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर जो केल्विन वेंसन चक्र हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखा था कि ये संपूर्ण क्रियाविधि चार स्टेपों में बटी हुई है, ठीक है, जिसमें पहला आता है PGA का निर्माण या CO2 का अपचयन। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि पादपों की पत्तियों के अंदर एक 5 कार्बनयुक्त शर्करा पाई जाती है, जिसका नाम है राइबोलोज 15 बाई फास्फेट। कि कितनी 5 कार्बनिक शर्करा है ये, इसके 6 मोल, ये रूविस्को एंजाइम की उपस्थिति में, रूविस्को जिसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई थी, राइबोलोज बाई फास्फेट सिंथेटेज कार्बोक्सिलेज एंजाइम, राइबोलोज बाई फास्फेट सिंथेटेज कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये 5 कार्बनिक शर्करा 6 CO2 को ग्रहण करता है और बनाता है 3 PGA, जो कि एक फर्स्ट प्रोडक्ट, स्थाई प्रोडक्ट होता है। 3 कार्बन वाला इसमें पहला स्थाई उत्पाद का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको हम बोलते हैं क्या, C3 चक्र। अब इसमें अपन कार्बन की संख्या देखें तो एक राइबोलोज 15 बाई फास्फेट के अंदर होते हैं 5 कार्बन, 6 मोल हैं, तो टोटल कितने कार्बन हुए, 30। यहाँ पर 6 कार्बन यहाँ होते हैं, टोटल कितने हुए, 36। अतः बनने वाला 3 PGA के कितने मोल बनेंगे यहाँ पर, 12, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन हो गए, 36। सेकेंड स्टेप इसके अंदर आता है और वह है PGAL का निर्माण। तो PGAL के निर्माण की क्रिया में सबसे पहले आप ये देखिए, ट्रांसफेरेज एंजाइम अर्थात काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 12 ATP से उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु ग्रहण करता है और निकलेगा 12 ADP। फास्फेट अणु PGA के पहले कार्बन से जुड़ता है और बनाता है यहाँ पर 1,3-DiPGA के 12 मोल। 3 PGA ऑलरेडी था, ATP से ग्रहण किए गए फास्फोरस पहले कार्बन पर जुड़ते हैं और क्या बना लेता है, 1,3-DiPGA के 12 मोल। PGA जिसकी फुल फॉर्म होती है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसका अपचयन होता है और अपचयन के लिए हाइड्रोजन आती है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 12 NADPH2 से H+ ion ग्रहण करता है और निकलेगा यहाँ पर 12 NADP, ठीक है, और ये बदल जाता है किसमें, PGAL के 12 अणुओं में। आप ये देखिए, यहाँ पर एक PGAL के अंदर भी 3 कार्बन होते हैं, तो 12 PGAL में कितने होंगे, 36। आप हैंड टू हैंड देखिए, साथ साथ कार्बन की संख्या काउंट करते जाइए। तो यहाँ पर कितने, हमारा सेकंड जो स्टेप था PGAL का निर्माण वो कंप्लीट हुआ। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है, वह है ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो 12 अणु हमारे पास PGAL है, इसे सुविधा की दृष्टि से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 भागों में, 2 अणु, ये देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये 12 अणु कितने हो गए PGAL के, इसमें से PGAL के 3 अणु अर्थात कार्बन कितने हुए, 9। आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समावयवी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फास्फेट के 3 अणुओं में बदल जाता है। PGAL भी 3 कार्बन युक्त होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फास्फेट भी 3 कार्बन, यहां भी 9 कार्बन है और यहां भी 9 कार्बन होता है।
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के तीन अणु PGAL के तीन अणुओं से मिलते हैं। एंजाइम आता है यहां पर एल्डोलेज। तो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में PGAL के तीन अणु, यहां पर कार्बन कितने 9, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के तीन अणुओं से जुड़ते हैं, यहां भी कार्बन कितने होते हैं 9। इसका मतलब बनने वाले प्रोडक्ट में कितने कार्बन होने चाहिए 18। तो यहां पर एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में PGAL के तीन अणु और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के तीन अणु मिलकर के बनाते हैं फ्रक्टोज 16 डाइफास्फेट के तीन मोल। एक फ्रक्टोज 16 में कार्बन की संख्या होती है 6, तीन मोलों में कितने होगी टोटल 18, बैलेंस है। अब देखिए हमें ग्लूकोज की एक अणु की आवश्यकता है, तो हम इसे दो भागों में बदल देते हैं, फ्रक्टोज के दो अणु और फ्रक्टोज का एक अणु। फ्रक्टोज 16 डाइफास्फेट का एक अणु आइसोमेरेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलेगा। फ्रक्टोज 6 फास्फेट विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु में बदल जाता है, अर्थात इस क्रिया में 6 कार्बन हमारे पास वापस बाहर निकल चुके हैं, 36 में 6 यानी 30। अब 30 आगे तक पहुंचने चाहिए, तो देखिए हमारा फोर्थ स्टेप आता है पुनः RU15 बाई फास्फेट का निर्माण, जो पादपों की पत्तियों में ऊपर से 5 कार्बनिक शर्करा होती है जो इस क्रिया को दोबारा दोहराता है। तो यहां देखिए फ्रक्टोज 16 डाइफास्फेट के दो अणु, कितने कार्बन है यहां पर 12, PGAL के दो अणुओं से मिलते हैं, PGAL के दो अणुओं में कार्बन की संख्या 6, तो 12 और 6 18, मतलब बनने वाले प्रोडक्ट में 18 कार्बन होने चाहिए। तो आप देखिए यहां पर ट्रांस कीटोलेज, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 16 डाइफास्फेट के दो अणु PGAL के दो अणुओं से मिलकर दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक जाइलुलोज 5 फास्फेट के दो अणु, दूसरा बनता है एरिथ्रोज 4 फास्फेट के 2 मोल। तो यहां देखिए एक इसमें 4 कार्बन 2 में 8, जाइलुलोज 5 फास्फेट के अंदर 5, दो अणुओं में टोटल 10, तो 10 और 8 18 कंप्लीट हुए। एरिथ्रोज 4 फास्फेट के दो अणु PGAL के दो अणुओं से मिलते हैं, एंजाइम आता है यहां पर एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एरिथ्रोज फास्फेट के दो अणु, टोटल यहां पर कितने कार्बन है 8 और यहां पर कितने 6, एरिथ्रोज 4 फास्फेट के दो अणु एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में PGAL के दो अणुओं से मिलकर बनाता है सीडो हेप्टुलोज 17 डाइफास्फेट के दो अणु। एक सीडो हेप्टुलोज 17 के अंदर 7 कार्बन होते हैं, तो दो अणुओं में टोटल संख्या कितनी हुई 14 कार्बन, जबकि हमारे पास कितने यहाँ पर 8 और 6 14 कंप्लीट। सीडो हेप्टुलोज 17 डाइफास्फेट फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जल ग्रहण कर बाहर निकालेगा फास्फोरिक अम्ल और बदल जाता है सीडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट के दो अणु। ठीक है, सीडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट के दो अणु PGAL के दो अणुओं से मिलते हैं, यहां एंजाइम आता है ट्रांस कीटोलेज। तो आप ये देखिए ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में सीडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट के दो अणु PGAL के दो अणुओं से मिलते हैं, यहां पर कितने कार्बन थे 6 और यहां कितने 14 कार्बन, तो बनने वाले प्रोडक्ट में टोटल कार्बन कितने होने चाहिए 20। तो यहां पर दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक
जाइलोलोज 5-फॉस्फेट के दो अणु, टोटल कितने कार्बन हो गए 10। एक बनता है राइबोज 5-फॉस्फेट के दो अणु, इसके अंदर भी टोटल कार्बन कितने 10। तो 10 और 10 20, यहाँ पर 6 और 14 20। अब देखिए लास्ट स्टेप, जिसके अंदर जाइलोलोज के कितने अणु हो गए 4, कितने अणु हैं 4, और राइबोज के कितने 2। इसका मतलब एपीमेरेज और आइसोमेरेज इन एंजाइमों की उपस्थिति में जाइलोलोज 5-फॉस्फेट के 4 अणु और राइबोज 5-फॉस्फेट के 2 अणु कितने हो गए टोटल 6। कार्बन संख्या देखो 10, यहां 10 20 और 10 30, तो ये बनाता है राइबोज मोनोफॉस्फेट के 6 मोल। एक राइबोज मोनोफॉस्फेट में होते हैं 5 कार्बन, 6 मोल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए 30। अब हमारे पास देखो यहां पर पत्तियों में जो ऑलरेडी उपस्थित होता है वो राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट होता है, जबकि हमारे पास क्या बना राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। तो ये ट्रांसफेरेज अर्थात काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 ATP से फास्फोरस ग्रहण करके 6 ADP का निर्माण करेगा, और फास्फोरस पहले और पांचवें कार्बन से जुड़कर क्या बना लेगा राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट के 6 अणु। इस प्रकार इस संपूर्ण क्रिया के अंदर ग्लूकोज का एक अणु मुक्त होता है, जबकि राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट वापस प्राप्त हो जाता है जो इस क्रिया को पुनः दोहराता है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण क्रिया में यहां देखिए 12 ATP यहां काम आए और 6 ATP यहां, टोटल कितने कार्बन हुए ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण में 18 ATP, जिसे अपन क्या बोलते हैं स्वांगीकारी शक्ति, जबकि यहां पर NADPH2 की आवश्यकता हुई 12 अणुओं की, ये क्या कहलाएंगे अपचायक शक्ति कहलाते हैं। तो इस प्रकार इन 4 स्टेपों के अंदर ये C3 चक्र कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें हमें ग्लूकोज का एक अणु बनता है। यदि आप यहाँ पर एक मोल से स्टार्ट करते तो इस क्रिया को कितनी बार दोहराना पड़ता 6 बार, तब जा करके ग्लूकोज का एक अणु बनता है, ठीक है। तो इस संपूर्ण क्रिया के अंदर हमें प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अप्रकाशिक अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है।